पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस समय पश्चिम बंगाल में अपना डेरा डाले बैठे हैं और इसी को लेकर जो है बीजेपी पूरी तरह से दमखम चुनावी मैदान में मोर्चा संभाले हुए है। तो वहीं बंगाल में दीदी का खेला होगा या बीजेपी का विकास अपना रंग दिखाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इन्हीं सभी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू विष्ट से चर्चा की हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया ने। हमारे साथ है दार्जिलिंग के सांसद राजू विष्ट, जो नॉर्थ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का फिर से पूरे परचम के साथ कमल खिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है, इस चीज को समझने की हम कोशिश करते हैं। राजू जी, नॉर्थ बंगाल में जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला काफी अच्छा वहां पे रहा, अब क्या देखते हैं? नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद। मैं बात करूं नॉर्थ बंगाल की, 2019 के चुनाव में हम सब ने देखा था कि किस तरह से टीएमसी का सूखड़ा साफ हो गया था। नॉर्थ बंगाल के 8 लोकसभा की सीटों में 7 भाजपा की झोली में आई थी और 1 सीट पे हम कुछ मतों से रह गए थे, वो कांग्रेस ने जीता था। रही बात 2021 की, 54 सीटें हैं, उसमें से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। उसका एक कारण है क्योंकि चाहे कांग्रेस रही, चाहे सीपीएम रही, चाहे पिछले 10 साल से टीएमसी पश्चिम बंगाल में सत्ता में रही, नॉर्थ बंगाल की जनता को लूटने का काम किया है। 34 साल तक सीपीएम ने लूटा और 10 साल तक टीएमसी ने पीटा है और नॉर्थ बंगाल की जनता इसको कभी नहीं भूल सकती। नॉर्थ बंगाल एक विशेष तरह का स्थान रखता है, हम सब जानते हैं, सिलीगुड़ी चिकन नेक एरिया, 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ इलाका, पूरा नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, साउथ ईस्ट एशिया की कनेक्टिविटी, इतना महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी जो है, और इतना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है नॉर्थ बंगाल से, चाय बगान से, फॉरेस्ट से, हाइड्रो के कारण, और वहाँ पे जो ट्रेडिंग होता है उसके कारण, टूरिज्म के कारण, उसके बावजूद भी जो है बदले में नॉर्थ बंगाल की जनता को कुछ नहीं मिला। और नॉर्थ बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, मोदी जी की बातों के ऊपर में हमारी जनता भरोसा करती है और सब नॉर्थ बंगाल इस समय मोदीमय है। राजू जी, दार्जिलिंग जहाँ से आप हैं सांसद, आपने कहा हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात की है, वहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, लेकिन दार्जिलिंग में पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या है, एक बड़ी समस्या वहाँ की है और वहाँ की जनता को जैसा आप कह रहे हैं 10 साल में कोई विकास नहीं मिला है, तो इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? पानी की जो समस्या है इसका कारण टीएमसी की सरकार है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल कहना चाहता हूँ, तिस्टा नदी बहुत बड़ी नदी जो है नॉर्थ बंगाल से होकर के गुजरती है और तिस्टा नदी से दार्जिलिंग 100 किलोमीटर पे है, सिलीगुड़ी 100 किलोमीटर से कम है। अगर सरकार की इच्छा होती वहां से पाइपलाइन बिछा के ये समाधान आसानी से हो सकता था, फिर भी उसके बावजूद भी सरकार ने नहीं किया। और जितने भी पानी को लेकर के प्रोजेक्ट आए उसके अंदर में जैसे अटल योजना के तहत 204 करोड़ रुपए पैसे दिए गए और धरातल में उस पैसे का कोई जो है उपयोग नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो है जनता को लूटा है। और क्योंकि हम जानते हैं दार्जिलिंग एक छोटा शहर होता था, अंग्रेजों ने बसाया था 20,000 फौजियों के लिए, उनके आराम के लिए, लेकिन आज वहां पे टूरिज्म और सब मिलाकर के करीब 2 लाख की आबादी हर दिन रहती है। सो इस नाते बहुत बड़ी पानी की समस्या है, लेकिन मैं आश्वस्त हूं 5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा जो है भारत सरकार देश भर में खर्च कर रही है हर घर जल योजना, और उस योजना के अंतर्गत हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि जल से जल जो है दार्जिलिंग की जनता को पेयजल की जो समस्या है उसका समाधान मिले। जैसे नॉर्थ बंगाल के लोगों ने लोकसभा चुनाव में अच्छा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया था, आप बता रहे कि इन सरकार से फंड भी आता है और यदि उसका यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो रहा है, यदि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आप लोगों के वोट बैंक पर भी तो हो सकता है। देखिए, जनता स्पष्ट जानती है मोदी जी सिर्फ देने का काम करते हैं और ममता दीदी रोड़ा अटकाने का काम करती है, बहुत बड़ी रुकावट है पश्चिम बंगाल की विकास के लिए। आप देखिए, आयुष्मान भारत योजना 5 लाख तक आसानी से लोग इलाज करा सकते हैं, लेकिन दीदी ने उसको करने नहीं दिया और दीदी कहती है कि मैं स्वास्थ्य साथी कार्ड दूंगी और वो दे भी रही है, लेकिन आप बताइए उस स्वास्थ्य साथी कार्ड का मैं करूंगा क्या? पश्चिम बंगाल में अस्पताल नहीं, जो हमारे माइग्रेंट लेबर स्टूडेंट जो दूसरे शहरों में रहते हैं उनके लिए ये कार्ड उपयोगी नहीं है। इतना ही नहीं, प्राइवेट अस्पताल के अंदर में वो कार्ड आज कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, ये सिर्फ चुनाव की दृष्टि से छलावा है। सो ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार देना चाहती है ममता दी उसको अटकाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जनता ने देखा है
कोविड संकट के समय में हर एक परिवार को चावल और दाल मिला है। हर एक चाय बगान में काम करने वाले हमारी श्रमिक माताएं बहनें हैं, उनके खाते में प्रति माह 500 रुपए मिला है। सो ये जनता जानती है कि उनके घर में आज जो कुछ भी है वो मोदी जी एक बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए, जो जनता आज चल करके जिस रोड से घर तक पहुंचती है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बना है। जिस घर में हमारी गरीब जनता रहती है वो प्रधानमंत्री आवास योजना से बना है। अगर उनके घर में शौचालय है तो वो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत है। अगर किसी के घर में आज गैस का चूल्हा पहुंच पाया है तो मोदी जी को उज्ज्वला स्कीम के कारण उसके घर में गैस चूल्हा चल रहा है। अगर किसी के घर में चावल पक रहा है तो जो है भारत सरकार ने कोविड संकट के समय में जो चावल भेजा वो एक बहुत बड़ा कारण है। सो सब कुछ मोदी जी ने दिया है और जनता कारण ढूंढ रही है। अगर हमने टीएमसी को वोट देना है तो दीदी को पूछते हैं कि अगर कोई एक कारण हो तो आप बताओ। सो ये पूरी स्थिति है और ये स्थिति आप अमूमन आप पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता थक चुकी है। 34 साल और 10 साल जिस तरह से 44 साल तक सीपीएम और टीएमसी ने लूटा है, जनता जागरूक है, परिवर्तन चाहती है और पिछले 7 साल में मोदी जी ने जो कुछ भी कहा उसको धरातल में करके दिखाया है और पश्चिम बंगाल की जनता भी आज विकास चाहती है। वो भी हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत पोटेंशियल है। 210 किलोमीटर से ज्यादा का कोस्ट लाइन, 4000 किलोमीटर से ज्यादा की रेलवे कनेक्टिविटी, 5000 से ज्यादा किलोमीटर के हाईवे और स्टेट के हाईवे, गांव के छोटे मोटे सड़कें देखो तो 90,000 किलोमीटर से ज्यादा की कनेक्टिविटी है। हमारे पास हाइड्रो है, हमारे पास दुनिया के बेस्ट ब्रेन है, सबसे ज्यादा नोबल पुरस्कार पाने वाले लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं। पानी बहुत मात्रा में होता है, इसका कारण एग्रीकल्चर व्यापक रूप से होता है। लेकिन इतना पोटेंशियल होते हुए भी पश्चिम बंगाल की सरकार ने पश्चिम बंगाल को सिर्फ लूटा है। मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पश्चिम बंगाल बहुत तेजी से विकास करेगा। जब आजादी मिली तब पश्चिम बंगाल इकोनॉमी की दृष्टि से नंबर 1 था, आज 15वें स्थान पे है। मैं ममता दीदी से पूछता हूँ, पिछले 10 साल में इन्वेस्टर समिट करके जनता के करोड़ों रुपए आपने फूके हैं पानी की तरह और 15 लाख करोड़ का एमओयू आपने साइन कराया, बदले में 14,500 करोड़ से ज्यादा का आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, यानी 1% से भी कम। ये स्पष्ट दिखाती है ये सिर्फ लूटने वाली सरकार है जो जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक आखिरी सवाल राजू जी, घुसपैठ एक बड़ी समस्या है आपके क्षेत्र में और सीए लेकर आपकी पार्टी आई थी तो उसका कई भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि सीए आना चाहिए, लेकिन यहाँ शायद बंगाल में सीए को लागू न करने का ममता दीदी ने एक वादा किया था, तो क्या ये मुद्दा प्रभावी हो सकता है? देखिए, सीए के कारण भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा और ये कानून हम किसी फायदे या नफे नुकसान की दृष्टि से या चुनाव की दृष्टि से भी लेके नहीं आए। आप देखिए, ममता दीदी कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। वो कहते हैं हमारे जो मतुआ समाज जिनको आज सीए की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वो कहती है आपके पास वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, आपको जो है नागरिकता नहीं चाहिए। ये ममता दीदी चाहती है मतुआ समाज के लोग जो कई साल से बेचारे शरणार्थी की तरह रहते हैं, उनके पास आज भारत की नागरिकता नहीं है, रोज वो पूछते हैं। लेकिन आज भी ममता दीदी चाहती है उनको बगैर नागरिकता के साथ हम रखेंगे तो हमारी वोट बैंक बनेंगे, बस एक ही कारण है, इसलिए वो सीए का विरोध करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता जाग चुकी है, वो जो है अब ममता दीदी पे विश्वास नहीं करती और सीए के कारण भी भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। मैं फिर कहता हूं, क्योंकि ये बहुत एक संवेदनशील प्रांत है, इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ है, सो हमारी दृष्टि से ये सिक्योरिटी दृष्टि से भी और इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी की दृष्टि से भी पश्चिम बंगाल भारत के लिए बहुत मायने रखता है और पश्चिम बंगाल का स्वास्थ्य होना भारत के लिए एक शुभ संकेत होगा। तो सुना आपने, राजू बिस्ट का कहना है कि बंगाल की जनता जाग चुकी है और वो अब मोदी के हम कदम होना चाहती है, चाहे बात सीए की हो या विकास की हो। तो जो मोदी जी जो कह रहे हैं कि विकास का डबल इंजन लगाना है बंगाल में, तो लगभग उसी काम के लिए राजू बिस्ट जी जुटे हुए हैं और नॉर्थ बंगाल में उनको उम्मीद है कि पिछले बार से ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। पश्चिम बंगाल के इस चुनाव परिदृश्य के दौरान जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उस पर भी उनकी नजर है और वो चाहते हैं कि मतुआ समाज के लोगों को उनका जो हक है वो वहां पर हासिल हो सके। अनादि टीवी के लिए कैमरा पर्सन मनीष पावसे के साथ प्रभु पटेरिया, कोलकाता, वेस्ट बंगाल।